हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट एंजल ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम रैंडम किसी पॉइंट पी पे किस कंडीशन में थीटा के किस वैल्यू पे मैक्सिमा फॉर्म होगा और किस वैल्यू पे मिनिमा फॉर्म होगा, हम उसकी बात करेंगे। बच्चों, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर पे जो फ्रिंज फॉर्म होता था उसे हम सेंट्रल फ्रिंज कहते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पे जो सेंट्रल पे इंटेंसिटी कल हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम होता है, जिस वजह से यहाँ एक ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होता है, हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं या प्राइमरी मैक्सिमा। बच्चों, डिफ्रेक्शन की टर्मिनोलॉजी और इंटरफेरेंस की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा डिफरेंस है। हम इंटरफेरेंस में फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट और nth ब्राइट की बात करते थे और सेंट्रल ब्राइट की बात करते थे, जबकि डार्क, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, सो ऑन, nth डार्क की बात करते थे। यहाँ हम सेंट्रल के फ्रिंज को सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे और उसके बाद जो भी ब्राइट फॉर्म होगा उसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहेंगे। इट मीन्स सेंट्रल के बाद जो भी ब्राइट फॉर्म होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, फोर्थ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सो ऑन। इसी तरह बच्चों, जो भी डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा स्क्रीन पे उसे हम सेकेंडरी मिनिमा कहेंगे। पहले डार्क फ्रिंज को फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड डार्क फ्रिंज को सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा एंड सो ऑन। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा के लिए कंडीशन अचीव करेंगे। मगर उससे पहले बच्चों, हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में रिमाइंड कर ले जो हमने 10th में पढ़ा। इसे केवल रिमाइंड करना है बच्चों, इसे आपको नोट नहीं करना, जिसका रिजल्ट हेल्पफुल होगा सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन को अचीव करने में। सो लेट्स, मान लो बच्चों ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक पैरेलल लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर लिया बीसी के पैरेलल डी ई। इस लार्ज ट्रायंगल एबीसी का परपेंडिकुलर मैंने एक्स मान लिया और बेस मैंने वाई मान लिया। मान लो बच्चों, ये पैरेलल लाइन इस परपेंडिकुलर को एक्स बाय टू यानी इक्वली डिवाइड कर रहा हो। इट मींस ये जो पैरेलल लाइन है ये इस परपेंडिकुलर को क्या कर रहा है बच्चों, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसका बेस एज कंपेयर टू वाई क्या होगा। तो हम यहाँ यूज करेंगे सिमिलरिटी। पता है हमें सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, AD first का perpendicular upon second का perpendicular equal to first का base upon second का base, वही property हम use करेंगे। तो first का perpendicular it means AD upon second का perpendicular it means AB equal to first का base BE और second का base BC। ये similarity की according हमने लिख लिया। AD कितना है बच्चों, x by 2 और AB कितना है बच्चों, x। DE आपको फाइंड करना है और B कितना बच्चों, Y। इट मींस DE क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से Y by 2। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर को जिस रेशियो में डिवाइड करता हो तो बेस भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसे और समझते हैं बच्चों। अगर मैं पूछूं आपसे डी से ई का डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो बच्चों, ये लाइन जो है वो परपेंडिकुलर को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, x बाय 4 रेशियो यानी 1:4 में। तो बेस भी क्या होगा, 1:4 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y बाय 4। ऐसे ही बच्चों, मान लो मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया यहाँ पे पैरेलल लाइन और ये लाइन 1:3 में डिवाइड कर रहा है परपेंडिकुलर को। तो बच्चों, ये बेस भी कितने रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 1:3 यानी y by 3। सिमिलर बच्चों, मान लो एक ट्रायंगल और है, इसमें मैंने 4 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर रखा है और ये डिस्टेंस मैंने y कंसीडर किया। तो अब आप बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस y by 4, ये क्या हो जाएगा, y by 2।
फिर ये क्या हो जाएगा 3y/4 और फाइनली ये क्या हो जाएगा y, अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया हो। सो स्टूडेंट अब हम सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा के कंडीशन को फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले कंडीशन फॉर सेकेंडरी मिनिमा एट पॉइंट पी, यानी इस पी पॉइंट पे सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए हम उसकी स्टडी करेंगे। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें और एक लाइन ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर कंसीडर बी ई, अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बाद के वेव ओवरऑल वेव का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, जैसे कि सेंट्रल पे आने वाली ऑल रेज का पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा था, वैसे ही इसके बाद जितने भी वेव होंगे वो क्रॉसपोंडिंग सेकेंड हाफ में सुपरपोज करके क्या कर देंगे पार्ट डिफरेंस जीरो कर देंगे। इट मीन्स इसके बाद इस सेट के ओवरऑल रेज का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इट मीन्स जो भी पार्ट डिफरेंस इन रेज के बीच में होगा वो इससे पहले होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों फर्स्ट रेज और लास्ट रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। यहां से क्लियर है बच्चों कि फर्स्ट रेज और लास्ट रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है बी टू ई, यही वो डिस्टेंस है जो लास्ट रेज ने ज्यादा ट्रेवल किया है और फर्स्ट वेव ने कम ट्रेवल किया है। इट मीन्स इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय लास्ट वेव एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट वेव रिमेन सेम, दैट्स व्हाई पार्ट डिफरेंस के बाद जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो भी पार्ट डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट वेव में है वो ये डिस्टेंस है विच इज इक्वल टू बी ई। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रे आर वन डैश एंड लास्ट रे आर थ्री डैश ऑफ सेट ऑफ सच रेज विच डिफरेक्ट refracted by angle theta is, तो first rays और last rays के बीच part difference क्या है बच्चों ऐसे rays के set का जो theta angle पे refract है that is b to e, it means b e part difference equal to b e। बच्चों आप ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, ये 90 ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों ये एंगल हो जाएगा आपको थीटा। सो ट्राइंगल ए बी ई फ्रॉम ट्राइंगल ए बी ई अगर हम साइन थीटा कैलकुलेट करें, साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स बी ई अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है बच्चों ए बी, तो साइन थीटा इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी, बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों तो ए बी क्या है, ए बी इज द विड्थ ऑफ द स्लिट और स्लिट का विड्थ क्या कंसीडर किया मैंने ए, दैट्स व्हाई बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों ए साइन थीटा। इट मीन्स पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड लास्ट वेव, पहला वेव और लास्ट वेव इस सेट ऑफ रेज में पाथ डिफरेंस कितना बच्चों पार्ट डिफरेंस है ए साइन थीटा, कंसीडर इक्वेशन सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसे रेस के सेट
जो थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो में फर्स्ट रेज और लास्ट रेज के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होता है बच्चों, ए साइन थीटा होता है। नाउ स्टूडेंट अब हम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन को अचीव करते हैं। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखना है कि यहाँ दो वेव या तीन वेव तो है नहीं, जो हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर ले और सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर कर ले और हम अचीव कर ले कंडीशन को। यहाँ सेट ऑफ रेज इनफाइनाइट रेज का सेट है, अब उन रेज का सुपरपोजिशन थ्योरम अगर हम यूज कर लेंगे तो शायद हम कंडीशन अचीव भी नहीं कर पाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो रेज के बीच पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है इट मीन्स वहां इंटेंसिटी जीरो होगा और डार्क फॉर्म होगा। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि हम ऐसे ग्रुप ऑफ रेज को कैंसिल कर दे जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो रहा है। अब कैंसिल होने के बाद ऐसे ग्रुप ऑफ रेज को एलिमिनेट करने के बाद अगर कुछ रेज बच रहे हो तो इसका मतलब उन रेज के कारण क्या फॉर्म हो जाएगा, मैक्सिमा फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी रेज नहीं बच रहे हो, सबके सब रेज एक दूसरे के साथ लैम्डा बाय 2 पार्ट डिफरेंस क्रिएट करके नेट इंटेंसिटी जीरो कर रहा हो तो इसका मतलब वहां इंटेंसिटी जीरो होने वाला है और मिनिमा फॉर्म होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो को देख लो, उसके बाद आप आसानी से समझ पाओगे। मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन को अचीव करने के लिए स्लिट डिवाइडिंग मेथड का यूज करते हैं, स्लिट को डिवाइड करके 2 पार्ट में 3 पार्ट में 4 पार्ट में 5 पार्ट में इस तरह के से स्लिट को डिवाइड करके हम कंडीशन अचीव करते हैं कि किस कंडीशन में मैक्सिमा होगा किस कंडीशन में मिनिमा होगा। तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए अगर हम इसे ड्रॉ करें, इतने पोर्शन को अगर हम इस पार्ट को ड्रॉ करें क्योंकि हमारे काम का पोर्शन बस ये पोर्शन है ए बी ई, बिकॉज इसके बाद तो नेट पार्ट डिफरेंस जीरो है, उधर का टेंशन नहीं लेना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पार्ट डिफरेंस है, जो भी मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ फॉर्म होगा वो इतने पोर्शन के पार्ट डिफरेंस के कारण होगा। सो हम बस इसी पे फोकस्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका लास्ट रे है, लास्ट रे को एल से मैं डिनोट कर रहा हूँ और ये फर्स्ट रे है, ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये डिस्टेंस क्या है, ये स्लिट का विड्थ है ए और ये पार्ट डिफरेंस क्या था, पार्ट डिफरेंस था ए साइन थीटा, इट मींस फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच का डिस्टेंस। अब बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम क्या मानते हैं, तो लेट ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा को लैम्डा मान लेते हैं एंड स्लिट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो ऐसा क्यों किया मैंने बच्चों, तो वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या मान लिया, इसे लैम्डा कंसीडर कर लिया, इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लिया, लैम्डा। क्यों किया आप अभी समझ जाओगे। और स्लिट को मैं क्या करने जा रहा हूं, स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं, कंसीडर डी एफ, इट मींस ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस ए बाय टू और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ए बाय टू। तो मैंने इस डिस्टेंस को लैम्डा कंसीडर किया और स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ध्यान से अगर देखें बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि जिस रेशियो में परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस डिवाइड होता है उसी रेशियो में बेस भी डिवाइड होता है। तो अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस ए बाय टू है, इट मीन्स आपने हाइपोटेनियस को इक्वल रेशियो में डिवाइड किया है तो बेस भी क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। That's why, अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप ध्यान से देखो, एक ही प्रोसीजर को हम बार बार करेंगे, इस वजह से अगर आप एक अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस स्लिट के दो पार्ट हो गए ए डी एफ, तो ऐसे वेव या ऐसे रेज दो जो इस पोर्शन में है ए डी एफ पोर्शन से पास होने वाले वेव,
और आधे वेव ऐसे होंगे जो इस पोर्शन से पास हो रहे होंगे, डी बी ई वाले पोर्शन से पास हो रहे होंगे। फिर से देखो बच्चों, अगर मान लो आपने 100 वेव इससे पास करवाया है, स्लिट से पास करवाया, तो 50 वेव इस पोर्शन से पास होगा और 50 वेव इस पोर्शन से पास होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्लिट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो ए बी पार्ट का, इट मीन स्लिट के हाफ अपर पार्ट का फर्स्ट वेव जो ये वाला वेव है, और डी बी पार्ट का फर्स्ट वेव जो ये वाला वेव है, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है बच्चों? देखो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाय 2। इट मीन्स बच्चों, स्लिट के अपर हाफ पार्ट का फर्स्ट वेव और स्लिट के बॉटम हाफ पार्ट का फर्स्ट वेव के बीच में पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? पाथ डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाय 2। और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का क्या मतलब है बच्चों? कि इन दोनों के सुपरपोजिशन से क्या होने वाली है? इंटेंसिटी जीरो होने वाली है। सेम ऐसा ही, जस्ट इसके जस्ट इक्वी डिस्टेंस पे आप कोई भी वेव ले लो, और सेम इक्वी डिस्टेंस पे यहां से सेकेंड हाफ पार्ट में कोई भी वेव ले लो। अब इक्वी डिस्टेंस पे वेव है तो इक्वली डिवाइड होगा। इसका मतलब जो डिफरेंस फर्स्ट हाफ के फर्स्ट वेव और सेकेंड हाफ के फर्स्ट वेव में था, वही डिफरेंस फर्स्ट हाफ के सेकेंड वेव और सेकेंड हाफ के सेकेंड वेव के बीच में होने वाला है। इट मीन्स डेल्टा एक्स यहाँ भी क्या होने वाला है? जीरो। ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होने वाली है? यहाँ भी जीरो। सेम ऐसे ही बच्चों, फर्स्ट हाफ के मान लो ये थर्ड वेव है और सेकेंड हाफ का ये थर्ड वेव है, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी फर्स्ट वेव से इक्वी डिस्टेंस पे ये थर्ड वेव मैंने सेलेक्ट किया। सेम ऐसे आइडेंटिकल वेव मैंने सेकेंड हाफ के फर्स्ट वेव से इक्वी डिस्टेंस पे सेलेक्ट किया, इन दोनों के बीच में अभी पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? इन दोनों के बीच में एक पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा, और इन दोनों के सुपर पोजिशन से भी क्या फॉर्म होने वाला है? इंटेंसिटी मिनिमम फॉर्म जीरो होने वाली है। इसी तरह बच्चों, फर्स्ट हाफ ऑफ स्लिट, स्लिट के फर्स्ट हाफ का मिड वाला कोई रे और सेकेंड हाफ के मिड वाले किसी रे के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होने वाला है बच्चों? लैम्डा बाय 2 होने वाला है, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस फर्स्ट और दोनों के फर्स्ट वेव के बीच में था, वही पार्ट डिफरेंस दोनों के सेकेंड वेव के बीच में होगा, वही पार्ट डिफरेंस दोनों के थर्ड वेव के बीच में होगा, क्योंकि जो भी वेव हम सुपरपोज्ड करवा रहे हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे है, और इक्वी डिस्टेंस पे होने के कारण इक्वल डिफरेंस में भी वो डिवाइड होगा। इसका मतलब बच्चों कि फर्स्ट हाफ पार्ट के जितने भी वेव होंगे वो सेकेंड हाफ पार्ट के हर वेव के साथ पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म कर रहे होंगे? क्रॉसपोंडिंग वेव के साथ पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म कर रहे होंगे? पार्ट डिफरेंस फॉर्म कर रहे होंगे लैम्डा बाय 2। सॉरी, पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म कर रहे होंगे? पार्ट डिफरेंस फॉर्म कर रहे होंगे लैम्डा बाय 2। और पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाय 2 है, इट मींस इस स्लिट के हाफ पार्ट से जाने वाली वेव और इस स्लिट के बॉटम हाफ पार्ट से जाने वाली वेव अगर आपस में सुपरपोज करे तो स्क्रीन पे क्या फॉर्म हो जाएगा? इंटेंसिटी जीरो फॉर्म हो जाएगा। इट मींस अगर हम ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा कंसीडर करते हैं और स्लिट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या फॉर्म होगा? इस कंडीशन में बाय सुपरपोजिशन ऑफ सच रेस और कॉम्बिनेशन ऑफ रेस वी ऑब्टेन मिनिमा। क्या फॉर्म होगा? मिनिमा, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, पाथ डिफरेंस बिटवीन ऑल द रेज, या आप वेव भी कह सकते हो, वेव ऑफ फर्स्ट हाफ पार्ट ऑफ स्लिट, यानी स्लिट के पहले हाफ पार्ट के जितने भी रेज होंगे, एंड अच्छा ये फर्स्ट हाफ पार्ट क्या बच्चों? एडी, दैट इज एडी, एंड ऑल द वेव ऑफ सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ
translate that is DB is equal to कितना बच्चों पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू, यानी कि फर्स्ट हाफ के हर वेव का सेकेंड हाफ पार्ट में क्रॉस्पोंडिंग वेव के साथ पार्ट डिफरेंस क्या होगा लैम्डा बाय टू होगा, दैट्स व्हाई ओवरऑल इंटेंसिटी क्या होगी जीरो होगी लैम्डा बाय टू, दैट्स व्हाई वी ऑब्टेन मिनिमा called first secondary minima. तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो गया बच्चों a sin theta equal to lambda, यानी अगर फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो तो उस कंडीशन में हमें क्या फॉर्म होगा, हमें p पॉइंट पे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होगा। तो अब बच्चों हम सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के कंडीशन को फाइंड करेंगे, तो सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम a sin theta यानी ये डिस्टेंस को 2 लैम्डा मानने वाले हैं और स्लिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। बच्चों हम ऐसा करते क्यों है, हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 फॉर्म हो सके दो सक्सेसिव सेट में, और अगर ऐसा हो जाता है तो हम आसानी से डार्क के कंडीशन को ऑप्टेन कर सकते हैं और ब्राइट के कंडीशन को भी ऑप्टेन कर सकते हैं, जैसे कि आप आगे देखोगे। कंडीशन फॉर सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या करना होता है बच्चों, तो लेट ए साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा एंड स्लिट इज डिवाइड इनटू फोर इक्वल पार्ट। तो सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, तो बच्चों यहाँ हाइपोटेनियस किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो तो फर्स्ट ट्राइंगल में ये ए 1:4 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब बेस भी क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस 1:4 में, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये डिस्टेंस ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली अब सेकेंड ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो ये रेशियो क्या किस में डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 रेशियो 1/2 बिकॉज 1/4 यहाँ 1/4 यहाँ, तो 1/2 रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, तो बेस भी क्या हो जाएगा हाफ रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, इसमें इट मीन्स बेस क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस लैम्डा सेम टू। अब ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट 1/4 यानी ए एफ पार्ट के फर्स्ट रेज, मान लो ये फर्स्ट रेज है ए एफ पार्ट का फर्स्ट वेव और एफ जी पार्ट का फर्स्ट वेव, दोनों के बीच से पार्ट डिफरेंस क्या है बच्चों लैम्डा बाय 2, इसका मतलब इन दोनों के सुपर पोजिशन से क्या फॉर्म होने वाला है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो तो इंटेंसिटी जीरो होने वाली है। सेम ऐसे ही ए एफ पार्ट के इक्वी डिस्टेंस पे कोई भी वेव, मान लो ये सेकेंड वेव, और सिमिलरली यहाँ एफ जी पार्ट के भी इक्वी डिस्टेंस पे सेकेंड वेव, इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस भी क्या होने वाला बच्चों पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 और फाइनली इंटेंसिटी क्या होने वाली है जीरो। तो इस सेट के हर वेव का इस सेट में एक ऐसा वेव क्रॉस्पोंडिंग वेव मिलेगा जिसके साथ पार्ट डिफरेंस क्या फॉर्म हो रहा होगा लैम्डा बाय 2 फॉर्म हो रहा होगा, और अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो। इट मीन्स फर्स्ट 1/4 और सेकेंड 1/4 आपस में सुपरपोज करके इंटेंसिटी क्या करेंगे जीरो कर लेंगे। सेम यहाँ देखो बच्चों, अगर हम बात करें थर्ड 1/4 पार्ट की यानी जीएच पार्ट ऑफ स्लिट के, स्लिट के जीएच पार्ट का फर्स्ट वेव कितने डिस्टेंस पे लैम्डा पे, और एचबी पार्ट का फर्स्ट वेव कितने डिस्टेंस पे 3 लैम्डा बाय 2 पे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा बाय 2 का पार्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी। सेम ऐसे ही जैसे हम इससे इक्वी डिस्टेंस पे कोई दूसरा वेव सेलेक्ट करेंगे वो इसके दूसरे इक्वी डिस्टेंस के दूसरे वेव के साथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 फॉर्म कर लेगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जीरो। सेम इस वाले कंपार्टमेंट के या इस सेट के जितने भी वेव होंगे वो एच बी सेट के क्रॉस्पोंडिंग वेव के साथ पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म कर लेंगे लैम्डा बाय 2 फॉर्म कर लेंगे।
इसका मतलब ओवरऑल इंटेंसिटी इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी फर्स्ट वन फोर्थ पार्ट सेकेंड वन फोर्थ पार्ट के साथ सुपरपोज्ड किया और टोटल इंटेंसिटी जीरो, थर्ड वन फोर्थ फोर्थ वन फोर्थ के साथ सुपरपोज्ड किया, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू फॉर्म हुआ और इंटेंसिटी जीरो। इट मीन्स इस कंडीशन में भी इंटेंसिटी क्या होने वाला, इंटेंसिटी जीरो होने वाला, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी मिनिमा। क्या कहेंगे, सेकेंडरी मिनिमा। तो लिखते हैं बच्चों, इट इज क्लियर दैट पाथ डिफरेंस बिटवीन ऑल वेव ऑफ एफ पार्ट ऑफ स्लिप एंड ऑल वेव ऑफ एफ जी पार्ट ऑफ स्लिप corresponding wave आप लिख सकते हो, एफ जी पार्ट ऑफ स्लिट इज ऑलवेज लैम्डा बाय टू, दैट्स वाई इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सच सेट्स ऑफ रेज इज जीरो। सिमिलरली बच्चों, जी एच पार्ट के हर वेव एच बी पार्ट के हर वेव के साथ करस्पॉन्डिंग कितना पार्ट डिफरेंस फॉर्म करेगा, लैम्डा बाय टू। सिमिलरली सो ऐसे ही बच्चों, हम थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या करेंगे, थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए इसे थ्री लैम्डा मान लेंगे और स्लेट को सिक्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या करेंगे, फोर्थ सेकेंडरी मिनिमा के लिए इस डिस्टेंस को यानी ए साइन थीटा को फोर लैम्डा मान लेंगे और स्लेट को एट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें पी कंडीशन मिल जाएगा कि किस किस कंडीशन में यानी थीटा के किस किस वैल्यू पे हमें इस पॉइंट पे मिनिमा फॉर्म होगा। तो अगर हम जनरल कंडीशन लिखे nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए तो क्या होगा बच्चों, वी नो डेट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए बताओ, ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा एंड स्लिट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। सेम सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या बताया था बच्चों, ए साइन थीटा इक्वल टू टू लैम्डा और इसमें स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसमें स्लिट को फोर इक्वल पार्ट में। सिमिलरली थर्ड सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इक्वल टू थ्री लैम्डा एंड स्लिट आर डिवाइडेड इनटू सिक्स इक्वल पार्ट सो ऑन। सो nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगा बच्चों, ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा एंड स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड करना होगा, स्लिट डिवाइड इनटू टू एन इक्वल पार्ट। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा पे मैक्सिमा फॉर्म होता था यानी ब्राइट फॉर्म होता था, मगर डिफ्रेक्शन में फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर यानी ए साइन थीटा अगर एन लैम्डा हो तो सेकेंडरी मिनिमा फॉर्म होता है।